और एक बड़ी खबर आपको बता दें, नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है। कल होगी श्रीलंका सांसदों की बैठक, ये जानकारी मिल रही है। स्पीकर अभय वर्धने ने यह बैठक बुलाई है और इसी बैठक में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अब प्रक्रिया तेज होती हुई नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दो, आपको बता दें स्पीकर अभय वर्धने ने बैठक बुलाई है, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है गोटाबाया राजपक्षे ने और अब उनके इस्तीफे के बाद श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, जिसके लिए श्रीलंका के सभी सांसदों की एक बैठक होनी है जो कि संसद के स्पीकर की तरफ से बुलाई गई है। इसी इन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये बैठक शनिवार को बुलाई गई है, यानी कि कल ये बैठक होगी। बैठक को लेकर संसद के अध्यक्ष महिंदा अभिवर्धन ने श्रीलंका के लोगों से अपील की है कि वो सभी सांसदों को नए राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए शांतिपूर्ण माहौल दे। It has been accepted his resignation? Yes. No questions. Please. And what's next? When will be the parliament session? The legal process will follow. No questions. And who will be the president? No questions. Yes, yes. No questions. Any ballots no. Will start, sir? Yes. So are you inviting the members to come and? Yes, I have invited. When, sir? When? Tomorrow. Okay. के राष्ट्रपति पद से गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब नए राष्ट्रपति को लेकर कवायद शुरू हो गई है, लेकिन अब तक उनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे शपथ लेंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल का दौर लगातार जारी है, लेकिन रानिल बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, कल ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसके साथ ही श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट पर बातचीत के लिए IMF ने शर्त रखी है। IMF का ये कहना है कि वो भी श्रीलंका से तभी बातचीत शुरू करेगा जब वहां स्थिरता होगी। श्रीलंका में आर्थिक संकट से निपटने के लिए IMF से पहले ही बात होनी थी, लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और ये बातचीत रुक गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, ऐसे में अब एक बार फिर बातचीत शुरू हो सकती है IMF के साथ। तो IMF की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक स्थिरता नहीं रहेगी तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर से अब बातचीत शुरू होगी IMF के साथ।